हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे vidIQ के बारे में। vidIQ यूट्यूब की तरफ से सर्टिफाइड एप्लीकेशन है जो आपके न्यू चैनल को बूस्ट करने, व्यू बढ़ाने में हेल्प करता है। कोई भी नया यूट्यूबर जब यूट्यूब पे आता है तो उसे पता नहीं होता है किस तरह टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लगाए या टैग लगाए। ये सारी कामों में हेल्प करता है vidIQ एप्लीकेशन। आप जिस किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इसमें कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन होता है जिससे पता चलता है कि किस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन है। ठीक है, होता क्या है, जब भी आप टाइटल लगाते हैं तो vidIQ ऑटोमेटिक डिक्टेट करता है, आपके सामने टाइटल का लिस्ट ओपन कर देता है। 3-4 आपका टाइटल लिस्ट ओपन कर देता है, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह जब टैग लगाते हैं तो vidIQ आपको हेल्प करता है टैग लगाने में, जिसका वॉल्यूम और कंपटीशन अच्छा उसे यूज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपका चैनल बूस्ट करेगा। इस एप्लीकेशन को हर कोई यूट्यूबर यूज करता, चाहे नया यूट्यूबर हो या पुराना यूट्यूबर। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं vidIQ एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल इजी वे में मिल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पे यूज करते हैं तो गूगल क्रोम ओपन कर लें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ही उसपे vidIQ.com उसपे टाइप कर लें। टाइप करने के साथ ही आपका इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन अप विद गूगल अकाउंट इस पे लिखा हुआ है। साइन अप करना बिल्कुल इजी है, आप लोग कर सकते हैं। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे शोज अकाउंट का ऑप्शन आएगा। जिस अकाउंट से आपका यूट्यूब चैनल बना हो उस अकाउंट से आपको लॉग इन हो जाना है। vidIQ आपका फ्री वर्जन भी आता है एंड फ्री वर्जन भी आता है, आपके ऊपर है, आप उसे कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं फ्री वर्जन यूज करता हूँ। जिस टाइप का आपका वीडियो है उस टॉपिक को कीवर्ड रिसर्च में सर्च कर लेना है। आपको किस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है और स्कोर कितना है, आपको कितना कंपटीशन है, आपको सामने मिल जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं अपना यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब ओपन कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ से अपलोड वीडियो पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी अपना एक वीडियो ले लेता हूँ। मैंने ये मैं वीडियो ले लिया एंड इसको डायरेक्ट करके मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो अपलोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, मतलब मैं यहाँ सर्च करता हूँ हाउ टू मेक मनी। ठीक है, मैं यहाँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए गेट टाइटल रिकमेंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। सो पे देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा लिस्ट खोल के ओपन आ गया है। आप हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी, ठीक है, द टॉप वे टू मेक मनी ऑनलाइन टू चेंज योर लाइफ। ये आपका, आपको जिस जो भी यू आपको टाइटल अच्छा लगे आप उसको यूज उसमें ला सकते हैं। मतलब मुझे ये अच्छा लगता, मैं इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद सो आप यहाँ पे देखिए जब टैग लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड का ऑप्शन आता है हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, सो देखिए अलग से एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, जिसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च लिखा हुआ। ठीक है, इसको देखिए हम लोग जैसे इस पे क्लिक किए, इसको क्लोज करते हैं। देखिए पहले ही से यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ये नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे ही देखिए हम लोग यहाँ पर टैग अभी कुछ नहीं दिए हैं। ठीक है, अभी इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीवर्ड भी देख लीजिए, इतना सारा दिया हुआ है, 5 कीवर्ड्स है आपका। एंड सर्च वॉल्यूम आपको ये बता रहा है। ठीक है, कंपटीशन आपको ये बता रहा है एंड स्कोर ओवरऑल स्कोर आपका ये बता रहा है। इस पर कितना आपका आपका अगर लो आपका कंपटीशन अगर लो है तो आपका ज्यादा चांस होता है आपका चैनल सर्च में आने का। तो हम लोग ऐसा ही वाला कीवर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्लिक कर लिए, फिर ये लो है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लिए एंड मीडियम मीडियम हम लोग एक दो वर्ड ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ये ले लिए। ठीक है, इसके लेने के बाद जैसे हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पे, सो देखिए हम लोग यहाँ का कीवर्ड 4 कीवर्ड हमारे यहाँ पे एड हो चुका है। एंड यहाँ से हम लोग रिफ्रेश टैग करेंगे। सो आप लोग देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन खुल के आ जाता है। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे कीवर्ड पे, जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए हमारा कीवर्ड ये सर्च हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं हाउ टू मेक मनी। बस मैं इतना कर लेता हूँ
2022, ठीक है। हाँ, सो आप देखिए इसका भी काफी लो है। तो हाउ टू मेक मनी 2022 आ गया, इस पे आप लोग सिंपली इस पे क्लिक कर, आपको यहाँ से वो कीवर्ड लगाना, लगाकर सर्च करना है एंड अपने चैनल को सर्च में लाना है। यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। जितना आप 500 तक इसमें कीवर्ड्स लगा सकते हैं, हमेशा आपको रिफ्रेश करके नया नया कीवर्ड्स इसमें यूज करना है, जो इसका कंपटीशन काफी नॉर्मल है। ये तो मैंने मेक मनी का बताया, ठीक है। आपको जिस टाइप का टॉपिक हो, जिस टाइप का आपका चैनल हो, जिस जैसा आपका वीडियो हो, जिस टाइप का मतलब ब्लॉगिंग का, ब्लॉगिंग हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉगिंग सर्च कर लेंगे, ब्लॉग सर्च कर लेंगे हम लोग, ब्लॉग सर्च कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जिस टाइप का फनी फनी ब्लॉग हो, डेली ब्लॉग है, फैमिली ब्लॉग है, जिस टाइप का आपका वीडियो हो उस टाइप का आपका यहाँ पे टैग लगाना है, जिससे आपका रिकमेंडेड जो है इससे आपका चैनल सर्च में आने लगता है। अगर आपका आपका जो भी चैनल का नाम हो, वहां पे इस चैनल का अपना नाम यहाँ पे जरूर टैग लगाना है। मान लीजिए जो भी है आपका, मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए मेरा नाम सुधीर है, तो मैं टैग को सुधीर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे टैग को सुधीर कर देता हूँ मैं, उस चैनल का अपना जब मैं लिंक देना है। और इसके बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी ऑल हो गया। कॉपी ऑल करने के बाद एंड डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली ध्यान क्या देना है, यहाँ से जो भी है इसको जो कॉमा है उसको हटाकर एंटर मार देना है। ये कॉमा आपको प्रॉब्लम कर देता है कभी कभी, तो इसको हम लोग इसको हटा कर सीधे जो भी है इसको एंटर मार के नीचे ले आना है, ठीक है। एंड इसको भी हटाना है, इसको नीचे ले आना है, ठीक है। मान लिया हाउ टू मेक मैं ऑनलाइन मन, इसको आपको टाइटल को कॉपी कर लेना है एंड इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देना है, ठीक है। एंड इस अगर आप चाहते हैं इसमें और टाइटल ऐड करने के लिए, तो यहाँ से आप इसको और भी टाइटल इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपग्रेड का भी ऑप्शन मांग रहा है, ठीक है। आप लोग इसको परचेज चाहे तो इसको परचेज भी कर सकते हैं, या आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो फ्री वर्जन यूज करता हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, हाउ टू मनी ऑनलाइन न्यू मनी मोबाइल कर देता हूँ, मोबाइल, ठीक है। सो इसका भी आप लोग चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं एंड सो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। SEO स्कोर मेरा देख लीजिए इतना आ रहा है, ठीक है, वो काफी अच्छा है। एंड इसके बाद नीचे आके इंटर मार के इसको हम लोग हैश लगाते हैं। हैश क्या है आपका, ये हाउ टू जिसमें जिसमें वो सर्च में आपका वीडियो आए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन कर लेना, ठीक है। हाउ टू मेक ऑनलाइन, ठीक है, हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी ऑनलाइन कर लेना है। फिर इंटर मार के नीचे हैश लगा लेना, वैसे ही 5, 10, 15, 20 आपको हैशटैग लगा लेना है, जिससे आपको वीडियो जो है काफी सर्च में आने लगे। मान लीजिए मैं इसको कॉपी करके आया है, इसको पेस्ट कर दिया, जो भी इस दोनों का बीच का गैप है इसको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसको इसको हटा देना है एंड इससे आपको वो सर्च बार में काफी इजी वे में आपका आएगा। ये हो गया आपका इस तरह बिल्कुल। आप यहाँ से चाहे तो थंबनेल भी आप लगा सकते हैं। अगर थंबनेल आप लोग को लगाने नहीं आता तो मुझे आप कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको भी आपको थंबनेल बनाना भी सिखा दूंगा। इसी तरह आप चाहे तो आप और भी कीवर्ड इसमें आप यूज यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस टाइप का आपका टॉपिक उसमें आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को काफी अगर देखिए और ऑनलाइन मनी इस पर आपका ये मीडियम है, मैंने बोला था ना मीडियम एक दो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस पर लगाएं एंड क्लोज करें, ठीक है। इसके बाद करने नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट एंड आपको देखिए चेक भी हो गया आपका कॉपीराइट नहीं है, इसको नेक्स्ट करके सीधे यहाँ पब्लिश लगा इसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। हाँ बिल्कुल, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।